हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम आज आए देवगढ़ मदारिया छात्र संघ चुनाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम भगवत सिंह चौहान है। मैं एनएसयू विधानसभा अध्यक्ष भीम देवगढ़ हूँ। यस सर, आपकी क्या योजना रहेगी चुनाव के बारे में, छात्र संघ चुनाव के बारे में? सर, मेरी योजना, हमने सर पिछले 3 साल से चुनाव लड़े हैं, जिसमें पहला अध्यक्ष रहा है निर्दलीय से, दूसरा रहा है एनएसयू पार्टी, तीसरा रहा है निर्दलीय से। हमारा जब अध्यक्ष रहा था छोटू सिंह देवड़ा, तो हमने देवगढ़ कॉलेज को हमने उदयपुर यूनिवर्सिटी में अपना नाम दिलवाया। वहाँ पर कोई जानता नहीं था कि देवगढ़ भी कोई गाँव है। वहाँ पर जाकर हमने बताया राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ भी ऐसा विद्यालय, वहाँ की ये लड़कियाँ थी, अपने देवगढ़ राजकीय महाविद्यालय की जो लड़कियाँ थी, उनका दो वेस्ट जोन में सलेक्शन करवाकर वहाँ पर उनका अपना खेल प्रतिभा बताई और बहुत सारे विकास करवाए हमने। जैसा इनका बताना है कि ये स्पोर्ट्स और अन्य चीज़ों में भी कॉलेज का नाम किया है, तो हम इनसे जानते हैं कि अब इनका क्या मुद्दा रहेगा। मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि यहाँ पर आए दिन गुंडागिरदी हो रही है कॉलेज के नाम पर। हर दिन, हर इलेक्शन में, पिछले साल हुआ था गुंडागिरदी हुई थी, पिछले साल भी, इस साल भी लगता है ऐसा कुछ होने वाला है, हो भी सकता है। और स्टाफ की यहाँ इतनी कमी है कि 21 स्टाफ है, जिसमें एक तो प्रिंसिपल है, बाकी 3 डेपुटेशन पे दे रखे हैं और बाकी एक भी पद नहीं है यहाँ पर। 21 व्याख्या, एक भी पद पर कोई व्याख्याता नहीं है यहाँ पर। जैसा कि इनका बताया जा रहा है कि स्टाफ अनकम्प्लीट है, 20 सीटें खाली पड़ी हुई है, तो इनका मुख्य मुद्दा यही होगा चुनाव में के बाद कि ये स्टाफ पूरा करे। तो आप किस प्रकार आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पूरे तन मन धन से मेरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। हर तरीके से मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। 7 साल हो चुके हैं मेरे इनको, इनकी पार्टी के 7 साल पूरे हो चुके हैं इनको ज्वाइन किए हुए। अब हम बात करते हैं इनका आगे का जो छात्र संघ है, इनका व्यवहार किस प्रकार है? मेरा व्यवहार पत्रकार साहब आपको जानते हो किस प्रकार है। जैसा कि बताया जा रहा है कि इनका व्यवहार बहुत ही अनुकूल है, 24 घंटे किसी भी समय इनसे बात करें तो ये बात करने के लिए तैयार हो। तो हम इनसे बात करते हैं। जैसे अफजल, आप बताइए कि आप पार्टी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं पार्टी के साथ तन मन धन से साथ काम करूँगा। मैं पार्टी में खड़ा किया है, पार्टी वाले मेरे को चूज़ किया है कि आप अच्छे हो, संयुक्त पद के लिए तैयार हो आप। ठीक है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि संयुक्त पद के लिए तैयार है और इनकी पार्टी जरूर सत्ता में आएगी, और इन्होंने पहले इससे पूर्व बताया कि इनकी पार्टी 80% वोटिंग लेके सत्ता में आएगी, और नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले, उनमें भी इनकी पार्टी पूरी तरह बहुमत से सरकार बनाएगी। जुड़े रहे इसी तरह हमारे चैनल पर।